हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते। ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम, मतलब मैं मिडिल क्लास लगता हूं। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं यू आर वेरी हैंडसम, इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते। नहीं, मैं चाहता हूं वो भी मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूं मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली, ये भाग जाएगा बक। शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ, एक दिन पहले और एक दिन बाद? शादी के एक दिन पहले आई वॉज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वॉज हंगओवर। सीरियस है, फैक्ट है, रियली हंगओवर। ये कौन आ गए यहाँ पे? दिनेश, व्हाट वाज व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद? रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी, हाँ तीन लोग, माँ भी तो है। दिनेश क्या बात करो, माँ को कहाँ छोड़ूंगा। एक दिन रात को मैं 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, पलट के उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मुंह किया, मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी भाई साहब, मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट फट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया, मैं ये पागल है। और अगली अमावस्या को मैंने चादर उठा के देखा, इसके पांव उल्टे तो नहीं होते, लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में, लव मैरिज सर, हाउ मेनी, हाँ कितने साल भी हाथ नहीं उठा रहा, वो उठा एक वन लेडी यहाँ पे, यार विक्की सर, हाँ विक्की आप उससे तो बोल देते, नहीं भी करो तो भी बोल। अच्छा, किन किन की लव मैरिज हुई है? आए चार, नाइस, 40 तो सिंगल हाथ उठा दिया। इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई? इतना लेट उठाया हाथ। कितने साल हो गए शादी को सर? लव मैरिज 11 इयर्स, और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 11 इयर्स, 1 ईयर, एक साल में शादी कर ली। विक्की ने गाड़ी खरीदी है, 8 मिनट टेस्ट ड्राइव लिया उसका, क्या सॉरी आई मिस्ड इट, क्या एक साल अफेयर चलो, 11 साल से शादी चल रही है, 12 साल हो गए आपको बीवी के साथ। सबसे खूबसूरत चीज आपकी बीवी के बारे में जो आपको मेक्स यू फॉल इन लव विद हर एवरी सिंगल डे, सबसे खूबसूरत चीज? क्या बात है, और व्हाट इज वन थिंग उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करे? हाँ किसकी? अच्छा आप भी जिम्मेदारी सिखा दी यार, क्या 12 साल, गिव इट अप फॉर दिस गाय मैन। What is your question? If how many people have a question about this? Sorry, there was one guy no piche Vicky ke liye question ready tha. Haan ji, zara puchna ek baar. Arey bhai, aapke sawalon se dar lagta hai mujhe. So the question was that beat Sobhita and Raman Raghav, Tapsee and Manmarsiya, Bhumi and Govinda and now Sara and Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? Ab do. ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से, मैं बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में, तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी, पर तेरी रियल लाइफ में शॉर्ट कर दूंगा, तो ये बैलेंस है लाइफ में। थैंक यू फॉर दिस गाइस। व्हाट इज अनदर क्वेश्चन यहां पे? Where's another question? Right there, ma'am. Right there. What's your name, ma'am? Vijay Lakshmi. Can we hand over a mic to her, please? Vijay Lakshmi, who's the question for? For Sara. For Sara. Hi, Sara. Hello. Good afternoon. I'm from Free Press Journal. My question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi Rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian Desi girl from Juhu that lives with Mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision
or Anand ji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी, सर आप बैठ जाओ. मैं सारा के साथ बढ़िया. अच्छा. हाँ. Vicky, obviously, I think मेरे एक colleague ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है. 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई. शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने. आई थिंक ही इज द फोर्थ एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है. जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो. कर बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, जस्ट मेक देम साइन अ फिल्म विद मी. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. Because obviously, आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और you know तो उस स्थिति में obviously you are in you know in a moment, एक blissful moment of your life. तो फिर उस real life को you know obviously separate करके इस ऐसे किरदार को निभाना you know during that moment को जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो शादी हुई थी और उसके दस दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने. एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह. सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना. तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है. तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था तो वही कोशिश की है. कच्ची कैरी सर. हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर. सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है एक क्वेश्चन. हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये. काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है. स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है तो जरूरी है. दिनेश जी. हाँ हाँ, सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने. तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना जो पूरे देश में नहीं होता उनके पोहा में सौंफ डालते हैं. यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस वो पोहा में. वो बिल्कुल आएंगे हम. ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहाँ पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो. हाँ, कह रहा पोहा में घर पे नहीं. लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन. बट वी विल कम. दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है. आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ. आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई. अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं. मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था. मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुँचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी. तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु हो? क्या भावना जी, मैं खुद ना मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 25 लोग साथ में रहते थे. जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना तो हम नहीं गए 5 साल. तो मिडिल क्लास मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिजनेस में जानता नहीं हूँ. और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो,
ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है. मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास. एंड ऐसा कुछ नहीं है. अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है. इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वॉन्ट्स मोर वेन दे कम टू अ थिएटर. तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा. इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है? ना आपके पास आंसर है ना इनके पास आंसर है. इनसे पूछेंगे अभी. और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद इज ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ही ये है. तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर एन इंडियन एंड द अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज, सो दैट यू ट्रस्ट मी ऑन. Hi Vicky, I have a question. Last two questions that we do. Yeah, I have a question for you. So Haan I ji. Wanted to know, Zara Hatke ki story mein, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? Kuch, kyunki matlab hum sab jo ek family story jab aap banate hain, to maa baap, mama, mami, ye sab hum sab relate karte hi hain. You know, mera bhi हम मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है. तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल जो साथ में मज़ा आता है और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है. एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे. तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर. और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मज़ा आया. एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे. आप कभी लिविंग रूम में सोयो? हाँ सर, है ना. या सर, मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा कि नहीं. हाँ, सो मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में वो 10x10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था. तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था. तो वहाँ से, पर इट्स बीन माई पेरेंट्स जर्नी.